हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फुल फेस कवर मास्क बनाना सिखाऊंगी और वो भी बहुत ही इजी वे में। इसके लिए मैंने लिया है 44 इंच मटेरियल, 44 इंच उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। मैं इसे मार्क कर रही हूँ। इस साइड से मैंने लिया है 30 इंचेस, जिसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसे मैं यहां से स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। ज्यादातर चौक का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको ये लाइनिंग अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैंने यहाँ पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये लाइन भी नीचे की ओर लेंगे, पर मैं इसे यहाँ से जॉइंट शेप दे दूंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे चार फोल्ड में कवर कर लिया है। लिटिल बिट राउंड शेप, यहां से भी हमारा राउंड शेप है, यहां से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, और यहां से भी डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये हमारा पूरा आउट शेप की तरह बन जाएगा। और यहां मैंने 32 शेप लिया। अब मैं सिर्फ परफेक्ट कट कर लेंगे, इसमें कट करेंगे। ये जो हमारे ओर है इसे आप फोल्ड भी कर सकते हो एजेस को, और अगर आपके पास आपके मशीन में स्टिचिंग का ऑप्शन है तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं या फिर हैम कर सकते हैं। मेरे पास अभी स्टिचिंग का ऑप्शन है तो मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा अपना मटेरियल को चारों ओर से हेम कर लिया है, स्टिच कर लिया है। ये हमारा शोल्डर का हिस्सा रहेगा और ये फुल फ्रंट और बैक एरिया कवर करेगा। अब मैं इसे वापस फोल्ड कर रही हूँ। अब यहां से हम 4 इंच नीचे की ओर जाएंगे, यहां से 4 इंच नीचे की ओर जाएंगे। हमें सेंटर खास नाप लेना है, इसे सेंटर यहां से हम खोल देंगे। अपना मटेरियल कंप्लीट, और मैं यहां से जो सेंटर पॉइंट है वहां पे 3 रखकर 6 इंचेस के लाइन ड्रॉ करूंगी। यहां पे हमारे आई की विंडो आएगी। ओके, अब मैं इसके ऊपर एक आई की पट्टी ज्वाइंट करने के लिए एक अलग कपड़ा लूंगी। मैं इस पे 6 इंच लॉन्ग लाइन बनाऊंगी, बिल्कुल बीच में बनानी है क्योंकि साइड के एजेस को हम फोल्ड करेंगे, तो मैं 6 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सेंटर पे 2 इंच, एक इंच ऊपर एक और इंच
एक इंच नीचे। अब देख सकते हैं, नाउ आई विल जॉइन लाइक दिस। आई ऑलरेडी मेड दिस शेप, इस शेप को मैं यहाँ ड्रॉ करूंगी और इस पैच को हम अपने मास्क के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। जॉइंट इट विथ आई शेप, इसे आई शेप में जॉइंट कर देंगे। ये आप अपने नाप के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। रेजुअली 6 इंच में मोर और सबकी आई कवर हो जाती है, तो मैंने इसके लिए भी आई शेप ही लिया है। ये मेरा हो गया है 6 इंच है और ये 2 इंच, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे, सेम इज मैंने इसे यहाँ कॉपी किया है। नाउ ये जो है इसके एक्स्ट्रा एजेस को मैं काट ले रही हूँ। जो मटेरियल है इसको मैं सभी साइड से फोल्ड कर लूंगी। पहले मुझे ये सभी साइड इसको फोल्ड कर देंगे, ये भी फोर साइड फोल्ड कर देनी है। देन आफ्टर इसी मैच को मैं इसके ऊपर स्टिच करूंगी। ये हमारा मास्क का फ्रंट साइड रहेगा, ये आई डॉट टू डॉट मैं इसी डॉट के सेंटर पे रखूंगी। आप चाहे तो इसमें इतने साइज का अस्तर भी डाल सकते हैं, और इसमें ये जो पैटर्न कर रहे हैं हम वो इतने बड़े साइज के कपड़े में भी कर सकते हैं। बट इट इज अ प्योर खादी, जो बहुत ही मूल कॉटन कहते हैं, अपनी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कॉटन इस्तेमाल किया है इसलिए इसके अंदर बस पहले ये पट्टी को यहाँ फोल्ड कर लेंगे, ये फोल्ड कर लेंगे। देन आप ये मैंने सिल लिया है, आप देख रहे हैं जो ये पट्टी फोल्ड मैंने कर ली है, चारों ओर से ये पट्टी फोल्ड कर ली है। ये हमारी आई का विंडो है, मैंने इस पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो राइट साइड है ये भी हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड पर मैं इसे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट रख दूंगी। सी दैट्स पॉइंट टू पॉइंट मैंने रख दिया है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्रॉस नहीं, हमने लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर हम इसे रख देंगे। और जो है ये वॉशिंग बहुत ही लाइन टू लाइन मैंने इसे रख लिया है। हम ये जो लाइन है उसके ऊपर सिलाई कर देंगे, ओके आई शेप में हम सिलाई कर देंगे। आप देख रहे हैं मैंने लाइन टू लाइन स्टिच कर दिया है। अब हम ये जो पिन है उसे निकाल देंगे और इसमें यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से कट लगाएंगे, और जो सिलाई है वो कट ना हो पाए उसी तरह हम अंदर से कटिंग करके ये पीस बाहर निकाल देंगे। सी मैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कट ले लूंगी क्योंकि जो कर्व है मैंने पूरा कट कर लिया है सिलाई की ओर से। अब हम ये पार्ट है विंडो में से अंदर जाने देंगे, ये जो विंडो है इसके अंदर से अंदर जाने देंगे।
पीछे की ओर आ जाएंगे, ये हमारा मास्क का पिछला ओर। नाउ आई विल स्टिच हियर, मैं यहाँ पे सिलाई कर दूंगी और यहाँ पर भी सिलाई कर दूंगी, यहाँ पर भी और बोथ साइड सिलाई फिनिशिंग। Now I will do this to bags. So I just cut it. तो मैं इसे स्ट्रेट पट्टी बना लूंगी, अगर ज्यादा हो गई इसके लिए सबसे पहले मैं ये हाफ फोल्ड कर दूंगी, देन आफ्टर दिस वे सी इसको मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी, ओके, एंड देन बोथ इन टू सेंटर। अब हम इसी तरह पूरा बेल्ट स्टिच कर लेंगे, पूरा बेल्ट ऐसे स्टिच करके तो बेल्ट कंप्लीट बनाएंगे। हियर आई हैव अ बेल्ट्स, ईच बेल्ट साइज इज 29 इंचेस बेल्ट, वो लेफ्ट ओवर कपड़े में से मैंने कर लिया है, सेम है दोनों 30 इंचेस बेल्ट दोनों कॉमन है ना। हाउ टू स्टिच द बेल्ट विद दिस मास्क, इसके लिए हम पेंसिल से मार्क करेंगे। सबसे पहले जो आई हमारी है, आई के एक इंच के अंतराल पे हम एक लाइन बना देंगे, एज यूजुअल इसी के सीधी रेखा में नीचे 4 इंच पर हम एक लाइन बना देंगे। हियर आई हैव मेक लाइन, दिस टू बेल्ट हियर वी हैव टू पुट इट। नाउ मैं यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करूंगी, एक इंच पे मैंने एक मार्क बना दिया है और उसी की सीधी लाइन में नीचे 4 इंच पर मैं एक और मार्क बना रही हूँ। Here we have to put belt. अब belt कैसे attach करना है, मैं belt सीधा कर ले रही हूँ, okay? I have divided in same two, got it? अब मैं एक सिरा ऊपर के part पर रखूंगी और दूसरा नीचे के part पर। मैं इसे यूपिन की मार्क कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे से स्टिच करना है, मैं दूसरा भी अटैच कर दूंगी इसी तरह। खास ध्यान रखें हमें सिर्फ आगे की ओर ही से स्टिच करना है, पिछला है पोर्शन हमारा लग जाए। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से रोल करके पीछे जाएगा, ये यहाँ से रोल करके ऐसे पीछे आएगा, तो ये आप यहाँ पर बटन कर सकते हैं, दैट्स इट। ये यहाँ से रोल करके यहाँ जाएगा तो यहाँ पर आप बटन कर सकते हैं, बट आप इसे ऐसे ही यूज करेंगे तो पीछे आराम से टाई कर सकते हैं, ओके? सो हियर वी हैव जॉइंट दी बोथ साइड ऑफ बेल्ट, और ये आप देख रहे हैं बेल्ट के दोनों कोनों इस तरह है, और ये पीछे का पोर्शन
हमारा यहाँ की ये फूल इसका घेरा रहेगा हमारा इस तरह पूरा सर्कल रहेगा। ये हमारा बेल्ट है जो पीछे दोनों साथ में टाई होंगे इस प्रकार। दोनों टाई होंगे इस तरह। That's it. बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल राधा कृष्ण पैच विच इज मोर लुक ब्यूटीफुल इन दिस मास्क। सो मैं इसे सेंटर में यहाँ पे स्टिच कर दूंगी। आप चाहे तो उस कर सकते हैं डेकोरेट, तो मैं इसे यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। और आई हैव ए दिस ब्यूटीफुल लेस जो मैं इसकी साइड के जो पार्ट है यहाँ पे अटैच करूँगी। पूरा होल में ये जो हमारी पूरी साइड है उस पर मैं ये डेकोरेट करूँगी। फिर मैं आपको ये मास्क पहनने से कैसा दिखता है ये दिखाऊंगी।